यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया हुआ शो टाइम के मेथड के अंदर। हमने यहाँ पर तीनों चीज़ों के जो लेबल वन है, लेबल टू है, लेबल थ्री है, इसके हमने जो टाइम है यहाँ पर वो 00 शो करवाया हुआ। ठीक है, तो अब कर कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पर, जो हमारे पास टाइमर है उसमें इंक्रीमेंट करने के लिए सेकंड्स के अंदर मैंने कोड लिखा। मैंने कहा कि अगर एक मेथड बनाते हैं हम अपने पास पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट सेकंड्स, और करेंगे ये इसके अंदर कि हम सेकंड्स को इंक्रीमेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जब सेकंड्स के अंदर इंक्रीमेंट 59 तक पहुंच जाए तो हम क्या करेंगे, क्या हो, किसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, मिनट के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए। इसी तरीके से जब मिनट्स के अंदर हमारे पास मिनट्स की वैल्यू 59 तक पहुंचे तो किसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, आवर्स के अंदर। तो हम यहाँ पर यही कोड लिख रहे हैं। मैंने कहा कि अगर सेकंड्स की वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाए, 59 हो, तो कौन सा फंक्शन हम कॉल कर लें अपने पास, इंक्रीमेंट मिनट्स। अच्छा, ये बनाया नहीं है हमने, ये भी हम बनाएंगे। ये जो मेथड है हमारे पास इंक्रीमेंट मिनट्स का, ये भी हमने बनाया नहीं, क्योंकि अभी हम कौन से मेथड के अंदर मौजूद है, इंक्रीमेंट सेकंड्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये कहा कि जब सेकंड्स की वैल्यू 59 हो तो इंक्रीमेंट कर दो मिनट्स के अंदर, और सेकंड्स की वैल्यू अगेन क्या कर दो, 0। जाहिर बात है क्योंकि 59, 60 और फिर क्या होगा, 0, 0, 1, 2, 3, तो इस तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर वैल्यू 59 ना हो तो क्या करो, सेकंड्स के अंदर क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड्स की वैल्यू 0 है तो वो क्या करेगा, 1, 2, 3, 4, 5 वो करता जाएगा जब तक उसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, 59। ठीक है, इसी तरीके से इसी मेथड को कॉपी कर रहा हूँ अपने पास और यहाँ पर पेस्ट करके इसका नाम जो है वो इंक्रीमेंट क्या कर देंगे अपने पास, मिनट्स, और यहाँ पे सेकंड्स के बजाय क्या करेंगे, मिनट्स मिनट्स, और यहाँ पे प्लस प्लस क्या करेंगे। ठीक है, हाँ, और ये वाला हमारे पास जो मेथड होगा वो क्या होगा, इंक्रीमेंट आवर्स, और इसको भी अभी हम बना लेते हैं अपने पास। और जस्ट आर्स के अंदर हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं। अब कह ये रहा हूं मैं कि जब मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूं अपने पास, अच्छा, ये जो अब हमारे टाइमर का ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा कि जब स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूं तो जो हमारा टाइमर जो है, टाइमर वन जिसका नाम है, वो क्या हो, इनेबल हो जाए, और उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ट्रू। और इसी तरीके से जो स्टॉप का बटन है उसमें हम टाइमर की वैल्यू को क्या करेंगे, टाइमर वन डॉट इनेबल्ड, फॉल्स कर देंगे। क्लियर, अब ये जो टाइमर का ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका इवेंट हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। कौन सा एक मेथड कॉल करेंगे, एक करेंगे हम अपने पास इंक्रीमेंट सेकंड्स का और शो। अब बाकी जो मेथड थे इंक्रीमेंट मिनट्स और इंक्रीमेंट आवर्स का, वो मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह ये थी कि मैंने कौन सा मेथड कॉल कर लिया अपने पास, इंक्रीमेंट सेकंड्स का। अच्छा, इंक्रीमेंट सेकंड्स का जब मैंने ये मेथड बनाया था तो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी मैंने कहा था कि जब 59 की वैल्यू हो जाए तो क्या हो, हमारे पास मिनट को कॉल कर लो, और जब मिनट में आएगा वो वैल्यू देखेगा अपनी, तो वो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर काम करता चला जाएगा और वो फिर आवर तक जाएगा एग्जैक्टली।
ठीक है, तो ये इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। हाँ अच्छा, ये इसका एक इंटरवल होता है हमारे पास, अगर आप चाहो ना तो इसको इंटरवल यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है, आप इंटरवल्स का कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आप इसको रन करो तो ये आपको ये एक सेकंड अब होगा इधर देख। हाँ अगर इसको 1000 करूँगा तो फिर वो उस हिसाब से चलेगा। अच्छा अगर पहले इसको 100 कर रहा था मैं यहाँ पर, तो आप फर्क देखना इधर, ये जो दूसरा वाला होगा हमारे पास मिली सेकेंड का होगा। वन सेकेंड अब हुआ, ठीक है, तो ये इस सवाल का जवाब था। स्टैंडर्ड हम 1000 रखते हैं, वो टाइम लैप्स 1000 ही होता है टाइम इंटरवल, ठीक है। जी सर, अच्छा भाई ये जो आपकी स्टॉप वॉच है इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। एक तो ये जो हमारे बटन है इनका जरा मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ। आपका स्टॉप का बटन है, ये स्टार्ट कर दो। इसमें ये समझ लें कि ये जो टाइमर वन है ना, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ये जो इंटरवल है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000, तो 1000 का मतलब ये होगा कि ये जो टाइमर के ऊपर जो टिक का मेथड है वो एक सेकंड बात करो, 1000 यहाँ पर एक्चुअली मिली सेकेंड, सही, यानी कि अगर मैंने यहाँ 1000 वैल्यू दे दी ना, तो ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये हर एक सेकंड बाद कॉल होगा। अच्छा हर एक सेकंड बाद कॉल होगा तो हर एक सेकंड बाद सेकंड के वेरिएबल में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ ना इसे, फॉर एग्जाम्पल इसको 100 कर देता हूँ, तो अब ये टाइमर अंडरस्कोर टिक का मेथड एक सेकंड में 10 दफा कॉल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक और जीरो कम कर देता हूँ, तो अब ये टिक का मेथड एक सेकंड में 100 दफा कॉल होगा। और यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये एक सेकंड में 1000 टाइम्स कॉल होगा, सही है? तो सपोज अगर इसको हम यही रहने देते हैं, यानी कि 1000, तो ये एक एक सेकंड बाद कॉल हो रहा है, लिहाजा इसमें वैल्यू एक एक बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर एक और लेवल ले लेता हूँ, ये आ गया चौथा वेरिएबल, ये आपके पास 4 यहाँ पर वैल्यूज आ गई। तो इस वेरिएबल का, इस लेवल का नाम हमने रखा था वही, क्या रखा था, लेवल 1, इसका रखा था लेवल 2, ये आ गया आपके पास लेवल 3, तो ये इसको कर देते हैं हम लेवल 4, चले ऑलरेडी लेवल 4 है। और करेंगे क्या आप,
देखें ये चार तीन वेरिएबल तो बनाए हुए ना, एक यहाँ पे और बना लेते हैं या चलें इसको शुरू में बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं मिली सेकेंड, सही है। और शो टाइम में हम करेंगे ये कि ये जो आपका लेवल फोर है जो अभी मैंने ऐड किया, इसके टेक्स्ट में भी हम क्या दिखा देते हैं, मिली सेकेंड्स डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। अच्छा फिर क्या करेंगे हम, अब ये इंक्रीमेंट सेकेंड्स का जो मेथड बना हुआ है यहाँ पर, तो एक आप और मेथड बना लें यहाँ पे, कौन सा एक मेथड हम यहाँ और बना लेते हैं, चलो अच्छा इसमें क्या करेंगे हम चेक ये लगाएंगे कि ये जो हमारा मिली सेकेंड का वेरिएबल है ये अगर ग्रेटर देन 9 है तो क्या करें, यानी कि 10 हो गया तो आप क्या करेंगे ये इंक्रीमेंट सेकेंड वाला कॉल कर लेंगे, ठीक है, और मिली सेकेंड क्या कर देंगे 0 कर देंगे, अदरवाइज आप मिली सेकेंड जो है वो प्लस प्लस कर, ठीक है। और फिर ये जो टाइमर टिक का मेथड था इसमें आप इंक्रीमेंट सेकेंड्स के बजाय इंक्रीमेंट मिली सेकेंड कॉल कर, समझ में आ रही बात, नतीजा ये होगा कि अब आप जब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो अच्छा हमने कॉल किया है मिली सेकेंड, कर देते हैं 100, ठीक है। तो अब इधर आपके मिली सेकेंड चल रहे हैं, इधर सेकेंड चल रहा है, और फिर ये सेकेंड चलते चलते फिर इधर मिनट्स आ जाएंगे, फिर उधर आवर्स आ जाएंगे आपके, सही है। अब आप जो है ना एक असाइनमेंट नोट कर लें अपना जो आपने इसी से रिलेटेड बनाना है, आवर्स में हाँ आपको देनी चाहिए, 24 आवर्स की लिमिट देनी चाहिए, वही तो मैं दे रहा हूँ ना आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। अच्छा अभी तो ये होगा कि आवर्स बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29, 30 चलते जाएंगे 300-400 आवर्स हो जाएंगे, तो बस आपने करना है कि इस एप्लीकेशन को जरा डाउनलोड करके रन करना है और चेक करना है कि जब मिनट्स जो हैं वो 59 हो जाए तो आवर्स में इंक्रीमेंट होता है या नहीं होता, ठीक है, सही है। और भी चेक इसमें लगा लें, मिसाल के तौर पे आवर्स 24 हो जाए तो फिर क्या करना है, इसको रीसेट करना है, अभी 12 आवर टाइमिंग भी हो सकती है, 24 आवर के टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे हमारा नॉर्मली होता है कि 12 बजे के बाद दोबारा 1 बज जाते हैं, तो इसमें AM PM भी आप लगा सकते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन नॉर्मली वो स्टॉप वॉच में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, स्टॉप वॉच में नॉर्मली क्लॉक तो है नहीं है, तो वैसे तो असल में यहाँ समझने का मकसद, इसको पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल्स में हम यूज्ड टू हो जाएं, टाइमर के कंट्रोल का भी अंदाजा हो जाए और बाकी जो है लेबल है टेक्स्ट बॉक्स है इस तरह के जो कंट्रोल है उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इसकी ज़रा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और कर लीजिएगा शराफत के साथ, ठीक है जी।